गाइस बाइक में जो पिंचर हो गया है आते पे घर को, और देखिए ये क्या बड़ा है, ये चोबा चो। तो गाइस इस समय जो हम मंदिर पे हैं, तनोट राय मंदिर, और यहाँ पे जो BSF के जवान पूजा करते हैं गाइस, और ये रास्ता तो इधर को बॉर्डर पे गया। तो गाइस यहाँ पे जो बाइक ले जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं बॉर्डर तक, और टैक्सी जो बहुत महंगी हो रही है, 1300 रुपये में एक जने के लिए टैक्सी हो रही है। तो जो है हमने सोचा बॉर्डर कैंसिल करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे हम निकलेंगे घर को। तो गाइस अब जो हम घर निकलने वाले हैं, तो जो है देखते हैं कितने दिन में पहुँचते हैं या कितने घंटे में पहुँचते हैं। वैसे हम 1000 किलोमीटर आगे हैं घर से निकले हुए, और जैसलमेर यहाँ से है 119, रामगढ़ 54। तो हमें जो अब रूट जो लेना है वो दूसरा रूट लेना है, क्योंकि जैसा आए हम ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब रूट देखते हैं हम अपना। तो गाइस देखिए सामने रेगिस्तान, ये रेगिस्तान सारा का सारा टोटल रेगिस्तान है। देखिए इतने गाइस पानी की बड़ी किल्लत रहती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पानी की किल्लत रहती है यहाँ पे। और जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है ये रेगिस्तान। तो गाइस मैं चलता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आपको। अब जो घर जा रहे हैं गाइस हम यहाँ से, तो दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, कैसे पहुँच रहा हूँ घर को भी वैसे ही दिखाता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। जाते गाइस हम बॉर्डर जाने के लिए जो है टैक्सी का किराया बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए हम गए नहीं, और ये बाइक अपनी चल रही है। तो गाइस हम लोंगे वाला से आते पे यहाँ पर रुके हैं बीकानेर से, लगभग ऐसे ही 50-60 किलोमीटर आ गए। तो आप घर के लिए जा रहे हैं, और पार्ले जी रखे थे, पार्ले जी खा रहे हैं ये, और घर के लिए निकल लेंगे अब यहाँ से। तो थोड़ा आराम करने के लिए बैठे हैं गाइस यहाँ हम जंगल में है बीच, और सारे में रेगिस्तान रेगिस्तान ही चमक रहा, और कुछ नहीं है देखिए। तो गाइस बाइक जो सुबह के 8 बजे से ही चला रहा हूँ मैं, तो लगभग जो कई किलोमीटर खींच दी, 200-300 किलोमीटर चला दी है बाइक। तो इस वजह से हमने सोचा कि ना गाड़ी को भी आराम दिलाया जाए और ख़ुद भी आराम लें। और पाले जी वगैरह खा रहे हैं, बैग में रखे थे घर से ले गए थे, मगर रास्ते में नहीं खाए थे, जाते पे नहीं खाए थे, मगर आते पे खा रहे हैं अब। तो ठीक है गाइस, तो घर पहुँचते हैं और आपको बताते हैं।
तो गाइस बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है, और यहाँ पे जो एक हरियाणा होटल है, ये जो है ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। 100 रुपये थाली, पेट भर खाना खाओ 100 रुपये में, 100 रुपये में पेट भर खाना आए हैं। और ये जो लेटे हैं, क्या हुआ भाई? नींद आ रही है तो थक गए हैं गाइस बाइक चला चला के, और मैं भी लेटे ही हूँ खाट पर। ये देखिए तो हालत जो है बहुत बुरी हो रही है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखिए हालत क्या हो रही है, नहाना तक का नहीं मिला, एक दिन नहाना मिला था, आज छठा दिन है, 6 दिन में एक बार नहाए केवल। राजस्थान में पानी की जो समस्या है बहुत है गाइस, तो लेटा हूँ, थक गया, बहुत ही ज़्यादा थक गए। तो अब थाली लग रही है खाने की, तो खाना खाएंगे फिर चलेंगे यहाँ से। और 100 रुपये थाली है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो जो खाना खाते हैं पहले गाइस। गाइस बाइक में जो पंचर हो गया है आते पे घर को, और देखिए ये क्या बड़ा है, ये चोबा बाइक में। तो गाइस अब जो है पंचर जोड़ते हैं, जरा सारा सामान जो है इकट्ठा करके लाए थे, लाओ भाई वो निकालो, किट कहाँ है इसकी? अरे ये तो भैया 500 से भी ऊपर निकाल दिया आज, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। अरे ना यार बहुत चोबा बढ़िया इसमें, वो चलने की बात ना है। चलो गाइस पंचर जोड़ते हैं पहले।